तो आज हम बनाने चल रहे हैं सांभर। देखिए ये सांभर बनके कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है और तैयार भी हुआ है। ये झटपट से बन जाने वाला सांभर है। इसके लिए ज़्यादा बर्तन हमको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बनाएंगे कुकर में जो कि झटपट बन जाएगा और ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होगा। तो इसको आप इडली के साथ सांभर जो है बना सकते हैं या फिर रवा के साथ या फिर डोसा के साथ बनाइए। प्लेन राइस के साथ भी आप बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमको सब्जी और दाल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 200 ग्राम के करीब ले लिया है दाल, जिसको तुअर का दाल बोलते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर मूंग का दाल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तुअर के दाल से बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर ले ली हरी सब्जी। हरी सब्जी आपके पास जो भी है वो ले लीजिएगा, लेकिन साग और करेला नहीं लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए कद्दू लिया है, लौकी, प्याज, गाजर, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, इन सबको हम बारीक काट करके ले लेंगे। फिर इधर देखिए मैंने कुकर में सरसों का तेल डाला है और फिर हम इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, फिर सरसों डालेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उनको चटकने देंगे, फिर थोड़ा सा अदरक डाल दिए हैं कद्दूकस करके और लहसुन डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ। फिर उसके बाद हम उसमें डाल दिए हैं करी पत्ता कम से कम 8 से 10 बारीक काट के, हरी मिर्च डालेंगे, आपको जितना तीखा पसंद है फ्रेंड उस अनुसार डालिएगा, फिर प्याज डाल देंगे उनको भूनने के बाद। फिर उसके बाद हम जितनी भी हरी सब्जियाँ लिए हैं उन सबको हमको इसमें डाल देना है और डालने के बाद इसको हमको 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। अगर बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो इसमें तीखा कम करिएगा। और उसको भूनने के बाद फिर देखिए यहाँ पे हम टमाटर लिए हैं और ये आधा आम है। हम इसमें इमली का यूज नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, तो इस समय आम का सीजन चल रहा है तो इसलिए मैंने आम डाला है। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, नमक डालेंगे ताकि सब्जियाँ हमारी थोड़ा सा जल्दी पक जाए और टमाटर भी पक जाए। तो उनको थोड़ी देर भूनने के बाद 1-2 मिनट, फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच छोटे चम्मच से, सांभर मसाला डालेंगे 2 बड़े चम्मच, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और उसके बाद हम यहाँ देखिए दाल डाल देंगे। तो दाल को हम मैंने आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रखा था, तो उसको धो लेंगे 2-3 पानी, फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसको फ्रेंड मिला देंगे अच्छे से और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैंने यहाँ पे कम से कम जो है मेरा बड़ा कुकर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला है। और इसमें फिर हम नमक डाल देंगे। फ्रेंड याद रखिएगा पहले भी हम लोग नमक डाल चुके हैं, तो उस अनुसार हमको नमक जो है थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार डालना है। तो सांभर जो है पानी डालने के बाद 3 से 4 सीटी लगा लेंगे तो हमारा सांभर बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम तड़का लगा लेते हैं। तो तेल ले लिए, तेल में थोड़ा सा हींग डालेंगे, राई डालेंगे, करी पत्ता डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, कलर लाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा सांभर तैयार हो गया, तो उसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ताकि सब्जियाँ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद तड़का लगा देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको ढक के थोड़ा सा रख देंगे। फिर इधर देखिए हमारा सांभर जो थोड़ी देर के बाद कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद चलिए फ्रेंड हम आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रवा इडली। तो रवा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी ले लिया है मैंने दही और 1 कटोरी हम इसमें डाल देंगे पानी। तो इस तरह से अगर आप भी बनाएंगे तो ये बहुत ही जो है अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है इनो मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। तो इसके थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे और इनो डालने के बाद मिक्स करने के बाद फ्रेंड आपको तुरंत बनाना है, इसको रखना नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे इडली बनाने के लिए मैंने 2 सांचा ले लिया और उसमें हम ऑयल लगा लेंगे। और ऑयल लगाने के बाद इसमें जो इडली का बैटर है उसको हम इस तरह से डाल देंगे। एक बार फ्रेंड ये आप रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर रेसिपी पसंद आती है हमारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सांचे में जो इडली का बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सांचे में देखिए ले लिया है इडली का बैटर डाल के, और इधर एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है और पानी में हल्का हल्का जब बॉयल आने लगेगा तो इसमें हम जो इडली का सांचा डाल के तैयार किए हुए हैं तो उसको हम इसमें रख देंगे और इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा इडली जो है तैयार हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा इडली जो बनके तैयार हो गया, देख रहे हैं कितने आसानी से निकल जा रहा है और कितना अच्छा ये इडली और हम सांभर बनके तैयार हो गया है हमारा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।